सभी राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। और जो जो भी लोग इस चैनल को, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी जय श्री राम। जैसा कि आज आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तालाब कटनी में 11 मुख हनुमान जी साक्षात रूप में, स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। और पिछले एक महीने से इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें नीमच, मध्य प्रदेश और प्रयागराज जी और बिलासपुर से ब्राह्मण जो यहाँ आए थे, उनके द्वारा जो विधि विधान से वेद मंत्रों द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और आज इस मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसके कपाट सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे जो गुरु महाराज हैं संत श्री चिंतराम रघुवंशी जी द्वारा हर ज्येष्ठ वीरवार को कैंसर, पथरी और गठिया और किसी अन्य शारीरिक कष्ट से जो कोई भी भक्त या कोई भी श्रद्धालु पीड़ित हो उसको दवाई दी जाती है, और ज्येष्ठ वीरवार को ये दवाई दी जाती है, और मंगलवार और शनिवार को यहाँ चौकी लगाई जाती है। किसी को भी किसी भी तरह की समस्या है तो महाराज जी द्वारा उसका निवारण किया जाता है। सर, आज यहाँ पर मंदिर में जो 11 मुखी हनुमान निकले हैं, इसको लेकर क्या आयोजन रहा? पहले तो सबसे पहले आपको जय श्री राम, और जितने भी भक्त इस न्यूज को, चैनल को देख रहे हैं, उनको भी जय श्री राम। आज का जो है हमारा समारोह है, ये तालाब नामक जगह है यहाँ पर कटनी में, नियर सुबाथू, और 11 मुख हनुमान जी यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं। जो 10-12 साल पहले हमारे गुरु महाराज हैं, उनको इस बारे में उन्होंने दृष्टांत दिया कि वो यहाँ पर विराजमान हैं। जब खुदाई करी गई तो यहाँ से वो प्रकट हुए, और बहुत तरह के चमत्कारी जो बातें थी या विषय थे या जो जानकारियाँ थी, वो हमें अद्भुत जानकारियाँ वहाँ पता चले। और आज का जो आयोजन है, पिछले एक महीने से 11 मुख हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे नीमच मध्य प्रदेश से आचार्य जी ब्राह्मण आए, प्रयागराज जी से कुछ एक आचार्य ब्राह्मण जी थे, और अपने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से कुछ एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने पूरे वेदों पुराणों के और हमारे हिंदू शास्त्रीय जितना भी हमारा विधान है उसके मुताबिक पूजा अर्चना करके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके आज उनका तिलक किया गया। और तिलक होने के बाद यहाँ के जो मुख्य द्वार है उसके जो कपाट हैं वो सभी श्रद्धालुओं के लिए, जन कल्याण के लिए खोल दिए गए। ये कितने समय पहले प्रकट हुए थे और आज जो है भक्तों के लिए दरबार जो खोल दिया गया है, कितना समय लगा इसमें? देखिए, ये जो दरबार खुला है, इसे इस अनुष्ठान को लगभग 1.25 महीने से ये अनुष्ठान चल रहा है, और आज ये संपूर्ण हुआ और आज इसका तिलक हुआ और ये जन कल्याण के लिए खोल दिया गया। जहाँ तक सवाल स्वयंभू महाराज जी के प्रकट होने का है, तो लगभग 10-12 साल पहले जो है महाराज जी, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं संत श्री चिंतराम रघुवंशी जी, उनको दृष्टांत हुआ स्वयं अपने 11 मुख हनुमान जी द्वारा कि वो यहाँ पे विराजमान है। जब खुदाई करी गई तो यहाँ वो विराजमान पाए गए, जैसा जैसा हनुमान जी द्वारा गुरु महाराज को आदेश किया गया था। तो 10-12 साल से यहाँ लगातार प्रोग्रेसिव था यहाँ का कार्य जो था, और आज जैसे जैसे हनुमान जी महाराज ने खुद आदेश किए तो इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा करके अब जन कल्याण के लिए जो ये मंदिर के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए। मंदिर में कब कब दर्शन कर पाएंगे भक्तजन, और कब कब कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, आज के बाद जो है मंदिर के कपाट हर रोज़ भक्तों के लिए खुलेंगे, श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे आज के बाद, और बाकी जो है मंगलवार और शनिवार को महाराज जी की यहाँ पर चौकी लगती है, जिसमें